नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक सुतली बनाने का बिजनेस शुरू कर कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा आगे मैंने पहले दोस्तों बता दो। विशाल टेक्नोलॉजी बेस मेकिंग लेकर जाना चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम विशाल की नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर करना चाहे तो बिजनेस बहुत है, कम इन्वेस्टमेंट से लेकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सभी प्रकार के बिजनेस मौजूद हैं। आज हम ऐसे ही थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बिजनेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों मार्केट में प्लास्टिक सुतली की डिमांड बहुत है और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। ये एक सदाबहार बिजनेस है, बहुत कम ही लोग इसका बिजनेस करते हैं। ऐसे में आप प्लास्टिक सुतली यानी रोप का बिजनेस कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको जगह और 15 से 16 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और आपको जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 50 mm सुतली प्लांट की। इससे आप 40 से 45 किलो प्रति घंटे प्रोडक्शन कर सकते हैं और इससे आप 24 आवर भी चला सकते हैं। आप इस प्लांट से 12 घंटे में 400 किलो तक प्रोडक्शन करते हैं तो आप 4000 से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। और इसका रॉ मटेरियल या वर्जिन मटेरियल यानी प्लास्टिक दाना आप अपनी लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। ये पूरा प्लांट करीब 15 से 16 लाख में शुरू हो जाता है और आप इस तैयार माल को अपनी सिटी की मार्केट व आसपास की मार्केट में होलसेल में सेल कर सकते हैं। इसकी मशीन विक्रेता के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर पूरी जानकारी व मशीन ले सकते हैं और एक अच्छी कमाई वाला बिजनेस कर सकते हैं। बाकी सब जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया, ऐसे कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।